नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईबीए शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं जिस वैकेंसीज़ का बहुत से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को काफ़ी समय से इंतज़ार था, उसके बारे में जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी जो कि आपकी है हिमाचल प्रदेश जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट निकली है, जो वैकेंसीज निकली है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल जो चर्चा है वो हम करेंगे, जिसमें इससे जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आपका पेपर होने वाला है, ये ऑल अबाउट कितनी वैकेंसीज पे होने वाला है। ये लगभग आपकी जो 61 पोस्ट है आपकी, तो लगभग इन्हीं पोस्टों में जो है आपका एग्ज़ाम वो होने वाला है। और जो पोस्ट आपकी है वो है असिस्टेंट मैनेजर, वो भी आपकी होगी रेगुलर बेसिस पे। और ये जो पूरा जो पेपर है, ये जो एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस मुंबई द्वारा, जो भी लगभग ऑल ओवर इंडिया जितने बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं यही हमारी जो एजेंसी है यही कंडक्ट करवाती है। और जो इसमें जो अब आपकी जो अप्लाई की जो डेट है वो रहेगी आपकी लास्ट जो डेट रहेगी वो आपकी 30/9/2022 रहेगी। और जब वो जो लिंक एक्टिवेट रहेगा अप्लाई करने के लिए वो लगभग 10/9/2022 से 30/9/2022 तक आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ भी नोटिफिकेशन में दी गई है, ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट। और अगर आप फ़ी की बात करें तो फीस में लगभग आपकी रहने वाली है जनरल ओबीसी एचपी के लिए आपकी 1000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, एसटी एससी आईआरडीपी बीपीएल अंत्योदय और जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 है, और फीमेल जो है कैंडिडेट है उनके लिए भी आपकी 800 रहेगी। और जो फ़ीस है आपकी ये रहेगी आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपकी इसमें ये रहनी है। और आपका जो कॉल लेटर जो आपके आने हैं एग्ज़ाम के वो लगभग आपके पेपर होने से 7 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, और ये पेपर लगभग आपका एक्सपेक्टेड इन्होंने अक्टूबर नवंबर तक बताया है। तो अगर यहाँ अभी हम आईबीपीएस के सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल देखें तो वहाँ से यही बात क्लियर होकर के सामने आती है, ये पेपर आपका एटलीस्ट नवंबर 20 के बाद आपका ये पेपर जाएगा। तो एक आपके पास इनफ टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। और ये जो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग उसके आपके 1 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें एज इलेक्शंस के रिलैक्सेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अगली जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपको, उसमें आपको ये बताया गया कि पोस्ट के बारे में आपको, कि जो आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है एटलीस्ट वो क्या आपकी रहनी चाहिए। इसमें आपको ये होना चाहिए कि आपकी जो सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उससे होनी चाहिए लगभग 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है 3 साल का है तो उसमें आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो सिंपली जो ग्रेजुएटी स्टूडेंट है 50% के साथ वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इसका जो पेपर रहने वाला है, जो पैटर्न रहने वाला है, तो आपके 3 मोड में जो आपका प्रॉपर जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो चलेगा, जिसमें आपका पहले प्रीलिम का पेपर होगा, उसके बाद आपका मेंस का पेपर होना है, और उसके बाद आपका फाइनल जो होना है वो इंटरव्यू होना है। प्रीलिम के पेपर में लगभग आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपके 35, 35 और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको लगभग 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय इसमें आपको मिलेगा, ये प्रीलिम का है। और जब आप प्रीलिम क्लियर कर लेते हो, प्रीलिम के 10 टाइम जितने आपके मेंस में होंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग में, उसके 10 टाइम ही जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होकर के जाएंगे मेंस एग्ज़ाम में। और मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न आपका रहेगा, लगभग आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही नंबर के रहेंगे, जो कि आपके 4 अलग अलग पोर्शन में रहेंगे, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर, डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी रहेगा। और साथ ही अगर एचपी का पेपर है तो इसमें आपके जो एचपी जीके क्वेश्चन है वो भी आपके यहीं इंक्लूड रहेंगे। सेपरेट टाइम आपको सभी के लिए मिलेगा, रीजनिंग के लिए 60 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए आपको लगभग 60 मिनट, इंग्लिश के लिए भी 60 मिनट मिलेंगे, और आपको जो जीए वाला पोर्शन है उसके लिए भी आपको 30 मिनट इसमें मिलने वाले है। तो इसमें आप देखिए, जो उसके बाद आपका जो आना है वो आपका इंटरव्यू आना है। तो इंटरव्यू में ये होगा कि जो आपके
वैकेंट पोस्ट होगी मेंस के 3 times जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वही आपके इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, और उसके बाद जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगा। तो ये पूरी आपको जानकारी थी जो आपका पैटर्न रहने वाला है पेपर का। और दूसरी जो बात है वो देखिए आपका सिलेबस जो रहेगा वो सिंपल सी इसमें बात की गई है कि आपका जो प्रीलिम का जो पेपर है वो आपका सिंपल क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी नाम आपके नहीं जुड़ेंगे, और मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका वो आपका लगभग आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो लगभग आपका क्लियर करवाएगा, आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आगे चलिए आप देखिए, तो इसमें यही एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो लगभग अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 से लेकर के 1-1-2000 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एससी के लिए आपकी 5 years रहेगी, एसटी के लिए 5 years रहेगी, एक्स सर्विसमैन रहेगी वो आपकी जो आपके सामने दी गई है उसी अकॉर्डिंग में आपकी रहेगी। तो अगली साइड पे अगर आपको यहाँ पे गिवन है आपने इसमें जो अप्लाई है वो कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑनलाइन ही आपको आईपीएस की साइट पे जाना पड़ेगा, जैसे कि डेट आपको पहले भी बताई गई 10/9/2022 से 30/9/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक स्कैन फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका जो साइज़ है वो आपके सामने गिवन है 4.5 centimeter से 3.5 centimeter के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके होने चाहिए ब्लैक इंक से, और लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए ताकि आप उसमें दे सकें, और आपकी जो एक डेक्लेरेशन है वो भी आपको इस फॉर्म में लिख करके सबमिट कर देनी है ऑनलाइन जा कर के। तो यही आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, और जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन रहेगी वो लगभग इसी तरीके से आपके सामने रहेगी। तो आगे आप देखिए, जो पेमेंट है वो भी आपने ऑनलाइन मोड पर ही करनी है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें एंड में आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि सारा जो प्रोसेस है लगभग ऑनलाइन ही आपका होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है लेफ्ट थंब के बारे में, साइज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसका साइन आप देख सकते हैं, सिग्नेचर का साइन आप देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको बताई गई है। अपलोड करने का प्रोसीजर सेम रहेगा, जब आप उसकी साइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आगे आप चलेंगे तो यही बताया गया है कॉल लेटर के बारे में। तो लगभग जब भी आपका पेपर होने वाला है उसके 7 दिन पहले IPS की साइट में या फिर आपको बैंक की साइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आगे आप यही सारी चीज़ें आपको बताई गई है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। और अगली जो बात है वो देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो हिमाचल में लगभग 4 जगह आपको देखने को मिलेंगे, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन में, और मेंस के भी जो है आपके लगभग इन्हीं प्लेसेस में मिलेंगे। रीजन वाइज देखें तो चंडीगढ़, अंबाला, जलंधर, मोहाली, पटियाला, न्यू दिल्ली, NCR में आपके मिलेंगे। और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो एटलीस्ट 2 exam के सेंटर के अलावा 4 outside जो है हिमाचल है, 2 centers हिमाचल के और 4 उसके बाहर के सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जिस हिसाब से वेन्यू डिसाइड होगा तो आपको जो सेंटर है वो आपका वहाँ पर पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने जुड़ी हुई मैं असिस्टेंट मैनेजर से। तो अंत में IBS शिमला आपके सामने लेकर के लिए एक प्रॉपर एक्सक्लूसिव बैच जो आपको पूरी तैयारी करवाएगा इस असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे प्रीलिम हो, वो चाहे मेंस हो, वो चाहे आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा। तो ये हमारा बैच है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर टारगेटेड बैच रहेगा जो आपके एग्ज़ाम से पहले तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएगा, साथ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पे दी जाएगी कि आप अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने आज से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ये भी आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे दे दी जाएगी कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे बड़ी जो गेम रहती है वो टाइम मैनेजमेंट की रहती है। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर गाइड किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।